ठीक है, तो ये आप प्रीफर करोगे कि ये बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो इसको आप देखोगे। चलो तो ये तो बुक की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई, अब हम आते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हम पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले उस बेसिक चीज़ों पे चलते हैं कि बेसिकली जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इस पूरे सर्किट में यूज किया जाएगा वो क्या क्या है, ठीक है, उसको एक अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी अभी हम देखेंगे कि हमारे इस पूरे सर्किट में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमारा क्या है इसको हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम देखेंगे कि जैसे नेटवर्क क्या है, नेटवर्क एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग क्या है, या सर्किट्स हम किस समय उसी नेटवर्क्स को कह सकते हैं, नोड्स क्या है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क क्या है, ठीक है, नेटवर्क मतलब क्या, आप क्या समझो नेटवर्क, कोई बताता है तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है, और ये सर्किट नेटवर्क से कैसे डिफरेंट है या सेम कैसे, उसको हमें जानना है। तो एक्चुअली नेटवर्क जो होता है इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होता है, जैसे रेसिस्टर को, कैपेसिटर को, बैटरी को आप जब इंटरकनेक्ट कर देते हो तो नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्क इज व्हाट, इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ, द इंटरकनेक्शन ऑफ, इंटर कनेक्शन ऑफ टू और मोर, टू और मोर सिंपल सर्किट एलिमेंट, टू और मोर सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट एलिमेंट, ओके, सिंपल सर्किट एलिमेंट फॉर्म्स एंड नेटवर्क, सिंपल सर्किट एलिमेंट्स, ओके। लाइक आप कह सकते हो कि एक सपोज करो कि ये कोई एलिमेंट है और एक दूसरे एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है, ये फिर तीसरे एलिमेंट से कोई जुड़ा हुआ है, ये कुछ तीन चार एलिमेंट्स है, तो इसको आप नेटवर्क कह सकते हो। ये सब आपके पास क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसको आप कह सकते हो कि ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है, आप इसको इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कह सकते हो, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि ये तो एक नेटवर्क है लेकिन एक सर्किट नहीं है, ठीक है, इस पिक्चर में इसको आप नेटवर्क कह सकते हो, नेटवर्क बट नॉट सर्किट, इट इज नॉट सर्किट, ये सर्किट नहीं है, ठीक है, सर्किट नहीं है, ठीक है। और इस नेटवर्क में ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्टिव नेटवर्क भी हो सकते हैं, पैसिव नेटवर्क भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्टिव और पैसिव नेटवर्क हमारे पास में हो सकते हैं। तो नेटवर्क को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो नेटवर्क हमारे पास होता है उसे हम कह सकते हैं कि वो एक एक्टिव नेटवर्क भी होता है और एक पैसिव नेटवर्क भी होता है। डेफिनेटली एक्टिव और पैसिव नेटवर्क का मतलब क्या होगा, पैसिव नेटवर्क भी होता है, एक्टिव नेटवर्क भी होता है। एक्टिव नेटवर्क में क्या होगा, एटलीस्ट एक क्या होंगे, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, ऐसा मतलब कहने का मतलब एक्टिव एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट वन एक्टिव एलिमेंट होंगे, ठीक है, इसमें एटलीस्ट वन एक्टिव एलिमेंट होंगे, और एक्टिव एलिमेंट का मतलब जिसके पास अपना इनर्जी हो, जैसे वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स क्या है, जैसे करंट सोर्स, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। उसी तरह से पैसिव नेटवर्क में कोई, इट इट डज नॉट कंटेन एनी एक्टिव एलिमेंट, यू कैन से इट डजंट कंटेन एनी एक्टिव एलिमेंट, ओके, एनी एक्टिव एलिमेंट, ये इसमें एक्टिव एलिमेंट नहीं होते, तो ये नेटवर्क है और सर्किट नहीं है। लेकिन यही यदि क्लोज फॉर्म बना लेता, लाइक 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 से कि आपके पास में जो एक नेटवर्क है वो ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में हमने एक वोल्टेज सोर्स भी जोड़ दिया, कुछ ऐसे जोड़ दिया, तो इसमें क्या हो गया, एक क्लोज पाथ बन गए, ठीक है, इसमें क्या है, एक क्लोज लूप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे। इस नेटवर्क को एक्चुअली क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे। तो इसका मतलब कि एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क, बट एवरी नेटवर्क इज नॉट अ सर्किट, ओके, सर्किट मीन्स इसमें क्लोज पाथ बन जाए, ठीक है, तो ये जिस क्लियर, तो सर्किट जिसमें एटलीस्ट वन क्लोज पाथ हो, ठीक है, तो आप इतना चीज लिख लो, इसका मतलब कि सर्किट मीन्स एटलीस्ट वन क्लोज्ड पाथ, ओके,
और पाथ मतलब जो ये पाथ है, इसको आप कह सकते हो यहाँ से इनिशियल्स ऐसे और ये फाइनल है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये क्या हो गया, एक पाथ हो गया, ये पाथ हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, टर्मिनल्स, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक थिंग्स जो है वो टर्मिनल्स और पोर्ट किसे कहते हैं, ठीक है। हर चीज़ हमारे पास में ये सब बहुत बढ़िया से मालूम होना चाहिए, टर्मिनल्स और पोर्ट क्या है, ठीक है। अब टर्मिनल पोर्ट्स, जैसे कोई भी एलिमेंट आप मानते हो, लेट्स से कि आपके पास में एक एलिमेंट है जिसमें ये दो पोर्शन जो है ये क्या है, टर्मिनल्स है, तो इसको आप क्या कह देते हो, टर्मिनल्स कह देते हो, ये टर्मिनल हो गया, ये और फर्स्ट और सेकेंड, ये दो क्या है, टर्मिनल्स है। इसको कहोगे कि ये एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, ठीक है। और इन दोनों को आप कह सकते हो कि ये पोर्ट है, जैसे इन दोनों को इकट्ठे, ऐसा इसको क्या कह सकते हो, ये पोर्ट है, ठीक है। तो पोर्ट कोई कहे तो आप कह सकते हो कि इट इज अ पेयर्ड टर्मिनल, ओके। मतलब जब टर्मिनल्स को पेयर कर देंगे तो पोर्ट हो सकता है, और आप इसको कह सकते हो कि ये वन पोर्ट एलिमेंट है, वन पोर्ट एलिमेंट है। आप आगे देखोगे वन पोर्ट एलिमेंट है तो आप कह सकते हो टू टर्मिनल वन पोर्ट एलिमेंट, इसको एक और चीज लिख सकते हो, टू टर्मिनल एंड वन पोर्ट एलिमेंट। आपके पास ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जिसमें कितने हो, जैसे एक बॉक्स है और जिसके पास में दो पार्ट हो, ठीक है, दो पोर्ट हो, जैसे ये दोनों पोर्ट हो गए, ठीक है, और इसमें 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 कैसे कितने टर्मिनल्स हो गए, तो फोर टर्मिनल्स हो गए, इसको कह सकते हो फोर टर्मिनल्स एंड टू पोर्ट एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब टर्मिनल्स हो गया और टू पोर्ट्स हो गए, ये और ये क्या हो गए, पोर्ट्स हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी आपके पास कोई भी एलिमेंट होगा तो दो चीज़ हमेशा डिफाइन करेंगे, एक तो पहला क्या होगा जो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, और एक दूसरा क्या होगा कि इसमें करेंट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है, एक करेंट कितनी फ्लो हो रही है, ये दो चीज़ आपके पास में डिफाइन रहेगा। उसके बीच में आप देखोगे कि रिलेशंस होते हैं, और यही वी और आई के टर्म्स में आप जो ये दूसरे एलिमेंट से कम्युनिकेट करेगा उसको आप लिखेंगे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। आप कह सकते हो टर्मिनल के बारे में, यदि आप थोड़ा लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हो कि टर्मिनल क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक एसेस के लिए बनाया गया है जो जो दूसरे दूसरे एलिमेंट के साथ में करेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एसेस टू एन एलिमेंट इज मेड थ्रू टर्मिनल्स, इलेक्ट्रॉनिक एसेस टू एन एलिमेंट इज मेड थ्रू इट्स टर्मिनल, ओके। तो टर्मिनल के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेस होता है, मतलब वी और आई का जो आपका एक्सचेंज होगा वो इसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपके पास ऐसा हो गया, तो आपको टर्मिनल और पोर्ट के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास में है, नेक्स्ट जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसे हम कहते हैं नोड। नोड क्या है, ठीक है, और ब्रांच क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, और लूप क्या है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास में एक नेटवर्क है जिसमें एलिमेंट्स ऐसे कई सारे एलिमेंट्स ऐसे दिए गए हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स है, ऐसे एक नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है। इसमें जहाँ आपका दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल रहे हो उसको नोड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये और ये एलिमेंट मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, ये और ये तीनों एलिमेंट मिल रहे हैं, यहाँ पे दो मिल रहे हैं, यहाँ पे दो मिल रहे हैं, यहाँ पे तीनों मिल रहे हैं, मतलब आप कह सकते हो कि इस पूरे पूरे सर्किट्स में कितने नोड है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 1 से लेके आपके पास में 5 तक क्या है, नोड्स है, ठीक है। तो नोड्स को आपने कैसे डिफाइन किया, वो जंक्शन जहां पे कई सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो जंक्शन, जंक्शन
एट विच जंक्शन, एट विच टर्मिनल्स ऑफ टू और मोर, एट विच टर्मिनल्स ऑफ टू और मोर, टू और मोर, ओके, टू और मोर एलिमेंट आर कनेक्टेड, टू और मोर एलिमेंट आर कनेक्टेड, उसे हम क्या कह देंगे, नोड कह देंगे, ठीक है। उसके बाद दो नोड पे जुड़ने वाला ये जो एलिमेंट है इसको ब्रांच कह सकते हैं, ठीक है, ये सबको ब्रांच कह सकते हैं, जैसे ये बी वन हो गया, इसको बी टू कह सकते हो, ये बी थ्री हो गया, ये बी फोर हो गया, ये बी फाइव हो गया, ये बी सिक्स हो गया, ये सब क्या हो गया, ब्रांचेज हो गए, ठीक है। तो ब्रांचेस क्या होगा, दो नोड्स के बीच में कनेक्शन, उसको हम क्या कह देंगे, ब्रांच कह देंगे। जैसे यहाँ पे बी वन से लेके बी सिक्स तक क्या है, ब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांचेस को कह सकते हो कनेक्शन बिटवीन नोड्स, ब्रांचेस को हम क्या कह सकते हैं, कनेक्शन बिटवीन नोड्स, कनेक्शन बिटवीन नोड्स क्या हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है पाथ, तो कोई भी एक नोड से दूसरे नोड पे आप चले जाइए, उसको आप क्या कहेंगे, पाथ कहेंगे। जैसे यहाँ पे वन से टू तक चले गए, एक पाथ हो गया, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि एक पाथ है। फिर टू से फाइव तक एक पाथ है, फाइव से फिर वन तक एक पाथ है, तो इसमें ये सारे चीज़ पाथ है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ क्या है, हमारे पास पाथ है। और जब पाथ को क्लोज करते हो तो उसको हम लूप कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये पाथ और लूप आप कह सकते हो, तो एक लूप इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इसको देखेंगे कि इसको हम क्या कह देंगे, लूप, ये लूप हो क्या, ठीक है। ब्रांचेज आप समझ गए, लूप समझ गए, ये सब छोटा छोटा पार्ट है, इसको आप ब्रांच कह लो, ये लूप हो गया, ठीक है। तो लूप को क्या कहोगे, क्लोज पाथ थ्रू सर्किट अलोंग इट्स ब्रांच इज कॉल्ड लूप, ठीक है। तो लूप को हम कह देंगे, ऐसे डिफाइन कर लेंगे, क्लोज्ड पाथ, क्लोज पाथ थ्रू सर्किट अलोंग इट्स ब्रांच, थ्रू सर्किट्स अलोंग इट्स ब्रांच, अलोंग इट्स ब्रांच, इसको हम क्या कहेंगे, लूप कह देंगे, ठीक है। अब देखो कि पूरे सर्किट्स में इसमें और भी लूप्स हो सकते हैं, जैसे ये वाला भी एक लूप है, इसको आप देखोगे तो ये भी एक लूप है। आप वही नहीं, आप यदि इसको कंसीडर करते हो तो दिस इज ऑल्सो अ लूप, ये जो पार्ट है ये भी एक क्या है, लूप है, ठीक है। तो इसमें तीन लूप आपको दिख रहे हैं जिसमें क्लोज पाथ बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस पूरे पार्ट में मेन वेरिएबल यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, वो होता है ब्रांच वोल्टेज एंड ब्रांच करंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मेन, इसमें जैसे इसमें करंट लेट से कि ये I1 है और इसके क्रॉस में एक वोल्टेज है V1। सिमिलरली कोई भी ब्रांच में, इसमें एक करंट है I4 और यहाँ पे एक V4, ऐसा करके कुछ भी आप बना सकते हो। तो इसमें मेन जो अननोन्स होगा और मेन प्राइम अननोन्स होगा वो ब्रांच वोल्टेज एंड करेंट्स होगा, उसके लिए हम पूरे सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मेन अननोन्स जो हो जाएगा या प्राइम अननोन्स जो है वो हमारे पास में V ब्रांच और I ब्रांच है, ब्रांच वोल्टेज एंड ब्रांच करेंट वो मेन हमारे पास क्या है, अननोन है। मतलब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे किसके लिए, VB एंड IB के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके पास में यहाँ पे आ गया है। तो आप क्या क्या देख चुके हो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या क्या होता है, टर्मिनल पोर्ट क्या है, नोड्स ब्रांचेस क्या है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ और बेसिक में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, वो ये कि जैसे हमारे एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसे बेसिक प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं एक सर्किट में, बेसिक वो कौन कौन सा बेसिक प्रोसेस है जो एक सर्किट में होते रहता है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक इसको छोटा सा, ये सब पूरा इसलिए हमारा फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ देख लेते हैं कि बेसिक प्रोसेस एक सर्किट में क्या क्या होता है, बेसिक प्रोसेसेस, ठीक है। बेसिक प्रोसेसेस पूरे सर्किट में क्या क्या बेसिक प्रोसेस मेनली होगा, तो इसको भी एक जगह पे हम देख लेते हैं, ठीक है। वो फाइव बेसिक प्रोसेसेस है जो मेनली नेटवर्क में होगा, ठीक है। तो फाइव बेसिक प्रोसेसेस क्या है उसको देखिए, देखो फाइव बेसिक प्रोसेस इन अ नेटवर्क,
आर उसमें फाइव बेसिक प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। पहला, वेरी फर्स्ट, उसमें तो है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी। जब इसी को सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम इसको इन्फॉर्मेशन भी कहेंगे, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जब इसी चीज़ को कम्युनिकेशन में आप जाओगे, तो वही वोल्टेज सोर्स करेंट सोर्स एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। उसमें हमारा साउंड कंटेन हो सकता है, उसमें वीडियो हो सकता है, उसमें मैसेजेस हो सकते हैं, तो ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है। इलेक्ट्रिकल पूरे सिस्टम में ये होता है। तो आपके पास में एक प्रोसेस इस इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होगा और उसका सोर्स होगा, ठीक है। दूसरा, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी, और यू कैन से फ्लो ऑफ एनर्जी, या आप इसको कह सकते हो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। दोनों चीज़ बात बराबर ही हो गई कि सर्किट में फ्लो कैसे होगा, ये इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ प्रोसीड कैसे होगा, फ्लो ये चीज़ को हमें ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा एक एनर्जी को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। यदि हम ट्रांसफ़र करते हैं तो लॉस भी होगा, ठीक है। तो तीसरा चीज़ हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी और इन्फॉर्मेशन, इसका कितना लॉस हुआ है एनर्जी का या इन्फॉर्मेशन का, ये मेन होगा। उसके बाद आपके पास में फोर्थ नंबर पे है कंट्रोल ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक आते आते आप दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हो, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एनर्जी और सिमिलरली और इन्फॉर्मेशन, एनर्जी और इन्फॉर्मेशन बाई सम एक्सटर्नल एजेंट्स और समथिंग, ठीक है। तो ये कंट्रोल कैसे करेंगे हम एनर्जी का या इन्फॉर्मेशन का, बाई सम एक्सटर्नल एजेंट्स, ठीक है, कि एक्सटर्नल कुछ लगा के हम इसके एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के मेथड को, इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसको इसमें देखेंगे जो तो थोड़ा सा आगे आके आपको मिलेगा, लेकिन बेसिकली जब हम नेटवर्क से सबको जोड़ रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ एनर्जी और इन्फॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली ये पांच आपके पास में कह सकते हैं कि प्रोसेस होता है। तो इससे रिलेटेड एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड एनालिसिस हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमारा हमारा मेन मकसद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। ओके, तो अब हम कुछ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि वेरी फर्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, उसमें क्या हमें जानना है, ठीक है। ओके।